चीता लौट आए हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता और गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृतकाल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कुनो नेशनल पार्क को इपशुल्क शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, ये बात सही है
कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कुनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे, सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, एक क्षेत्र से अनजान है। कुनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। साथियों, दुनिया आज जब प्रकृति और पर्यावरण की ओर देखती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए एक केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। हम वो लोग हैं जिनका सांस्कृतिक अस्तित्व सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस मंत्र पर टिका हुआ है, अर्थात संसार में पशु पक्षी पेड़ पौधे जड़ चेतन जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, हमारा अपना ही विस्तार है। हम वो लोग हैं जो कहते हैं परम परोपकारार्थम यो जीवति सह जीवति, अर्थात खुद के फायदे को ध्यान में रख करके जीना वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन वो जीता है जो परोपकार के लिए जीता है। इसलिए हम जब खुद भोजन करते हैं उसके पहले पशु पक्षियों के लिए अन्न निकालते हैं। हमारे आसपास रहने वाले छोटे से छोटे जीव की भी चिंता करना हमें सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि कहीं अकारण किसी जीव का जीवन चला जाए तो हम अपराध बोध से भर जाते हैं, फिर किसी पूरी जीव जाति का अस्तित्व ही अगर हमारी वजह से मिट जाए ये हमें कैसे स्वीकार हो सकता है। आप सोचिए, हमारे यहां कितने ही बच्चों को यह पता तक नहीं होता है कि जिस चीता के बारे में सुनकर वो बड़े हो रहे हैं वो उनके देश से पिछली शताब्दी में ही लुप्त हो चुके हैं। आज अफ्रीका के कुछ देशों में और ईरान में चीता पाए जाते हैं, लेकिन भारत का नाम
उस लिस्ट से बहुत पहले हटा दिया गया था। आने वाले वर्षों में बच्चों को इस विडंबना से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुझे विश्वास है वो चीता को अपने ही देश में कुनो नेशनल पार्क में दौड़ता देख पाएंगे। चीता के जरिए आज हमारे जंगल और जीवन उसका एक बड़ा शून्य भर रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है। ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। साथियों, 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद से देश में करीब करीब 250 नए संरक्षित क्षेत्र जोड़े गए हैं। हमारे यहां एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आज गुजरात देश में एशियाई शेरों का बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। इसके पीछे दशकों की मेहनत, रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज और जन भागीदारी की बड़ी भूमिका है। मुझे याद है हमने गुजरात में एक संकल्प लिया था, हम जंगली जीवों के लिए सम्मान बढ़ाएंगे और संघर्ष घटाएंगे। आज उस सोच का प्रभाव परिणाम के रूप में हमारे सामने है। देश में भी टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया गया था, हमने उसे समय से पहले हासिल किया है। असम में एक समय एक सिंह वाले गैंडों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था, लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई है। भाइयों और बहनों, देश में प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो एक और बड़ा काम हुआ है वो है वेटलैंड का विस्तार। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का जीवन और उनकी जरूरतें वेटलैंड इकोलॉजी पर निर्भर करती हैं। आज देश में 75 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया है, जिनमें 26 साइट्स पिछले 4 वर्षों में ही जोड़ी गई हैं। देश के इन प्रयासों का प्रभाव आने वाली सदियों तक दिखेगा और प्रगति के नए पथ प्रशस्त करेगा। साथियों, आज हमें वैश्विक समस्याओं को, समाधानों को और यहां तक कि अपने जीवन को भी होलिस्टिक वे में देखने की जरूरत है। इसलिए आज भारत ने विश्व के लिए लाइफ LIFE, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट जैसा जीवन मंत्र दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रयासों के द्वारा भारत दुनिया को एक मंच दे रहा है, एक दृष्टि दे रहा है। इन प्रयासों की सफलता दुनिया की दिशा और भविष्य तय करेगी। इसलिए
आज समय है कि हम ग्लोबल चुनौतियों को दुनिया की नहीं अपनी व्यक्तिगत चुनौती भी माने। हमारे जीवन में एक छोटा सा बदलाव पूरी पृथ्वी के भविष्य के लिए एक आधार बन सकता है। मुझे विश्वास है भारत के प्रयास और परंपराएं इस दिशा में पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करेगी, बेहतर विश्व के सपने को ताकत देगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस मूल्यवान समय पर, ऐतिहासिक समय पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।